अस्सलामु अलैकुम जी। हाँ जी भाई हमजा साहब हुक्म करो। ए तुसी दसना के इस वीडियो च असी की दसना अज इन्हां नू? असी भाई हुणियां नू दसांगे जी अज मोर खरीदण दा। हाँ जी। ते मोर वेखण वास्ते केड़ी छावां वेख के छोटे किदां खरीदणे, वड्डे किदां खरीदणे। हाँ जी। फिर को जिहड़े मोर ने उहनां दा वी लोकी पुछे सी की नां सी उहनां दा, स्पेलिंग मोर किदा खरीदने हैं, वह भी फिर असी दसना वा। इस तो अलावा जैसे इनक्यूबेटर वाली भी वीडियो बनानी है, जी मशीन आनू कि चलाना वा, तो वह भी फिर अगली वीडियो च ना इंशाला जल्दी वह भी इन्होंने दिखाई है। हाँ जी। बाकी आवाम टा हाल चाल पुछी सके की हाल चाल है, ठीक हो तुसी? दसो उन्होंने ठीक हो? जी ठीक ठाक। मोर ना ढड़ी लड़ाई, अपनी सुनाओ, मोर ना ढड़ी लड़ाई खत्म हुई कि नहीं हुई? हो गई है जी। हो खत्म हो गई ना लड़ाई? चलो ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो एक क्वेश्चन आया था, तो जहाँ से एक ऑलरेडी मेरे जहन में इस तरह के एक वीडियो का आइडिया था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप मोर ख़रीदना चाहते हैं कोई भी, तो आप कैसे ख़रीदें। अगर आप नए शौकीन हैं और आपको मोर का शौक़ हुआ है और आप सोच रहे हैं कि आप मोर का पहला पेयर ख़रीदें, तो आप पेयर किस तरह से ख़रीदें और क्या क्या एहतियात आप कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें अंदर नोट करने वाली हो सकती हैं और किस तरह से आप जो है टेंशन फ्री होकर अपना पहला पेयर जो है ख़रीद सकते हैं। तो डॉक्टर साहब का क्वेश्चन थोड़ा और तरह का है, वो साथ मतलब ये पूछे थे और साथ वो स्पेशली पूछे थे कि स्पेल्डिंग बर्ड्स अगर वो ख़रीदना चाहते हैं, एमरत जिसको पाकिस्तानी बोलते हैं, एमरल्ड बोलते हैं, वो अगर ख़रीदना हो तो उसकी प्योरिटी में कैसे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि प्योर है या नहीं है, हमें ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल हमारे पास दो चीज़ें होगी कि एक तो ये कि मोर पहले कैसे ख़रीदा जाए और दूसरी चीज़ स्पेल्डिंग बर्ड्स के बारे में कि स्पेल्डिंग्स कैसे ख़रीदी जाए। पहले आते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ जो हमारा पहले कि मोर ख़रीदना चाहते हैं तो मोर कैसे ख़रीदें। तो यार आपके पास तीन तरह के ऑप्शन है मेरे ख्याल में। पहला तो ये कि आप छोटे बच्चे ख़रीदें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन फिर ये है कि आप ब्रीडर बर्ड्स ख़रीदें, और तीसरा ऑप्शन फिर ये है कि आप कोई एक साल के या डेढ़ साल के पट्टे जो हैं वो ख़रीदें। तो इन तीनों ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो वो ये है कि कम से कम जो है ना 4-5 माह की है, जैसे मैंने पुरानी वीडियोस में भी बताया था, पूरा तरीका भी साथ आपको बताया था कि आपने जो बच्चे रेस कर रहे हैं वो किस तरह से रेस किया जाए। तो 4-5 माह कम से कम जो एज है ना, उस एज के जो है आप चूज़े ख़रीदें मोर के, क्योंकि अगर आप ब्रीडर ख़रीदते हैं तो सबसे पहली मतलब आप एक चीज़ सोचें कि कोई भी ब्रीडर, ठीक है, कोई भी ब्रीडर वो क्यों अपने मतलब के ऐसे बर्ड्स सेल करना चाहेगा जिनके जो उसको पता है कि यार ये अच्छी ब्रीडिंग करते हैं, इनसे अच्छे अंडे आते हैं और ये बड़े अच्छे बर्ड्स हैं, अनलेस के उसके पास कुछ एक्स्ट्रा बर्ड्स हों। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके साथ मतलब चांसेस ज़्यादा हैं इस तरीके में आपके साथ फ्रॉड होने के कि आप एक ब्रीडर ख़रीदें तो वो ब्रीडर अच्छा ना हो, वो ज़्यादा अंडे ना देता हो या किसी भी किस्म का उसको कोई प्रॉब्लम हो। तो इसलिए बेहतर है कि हम ब्रीडर की तरफ जो है वो पहली दफ़ा में, मैं सिर्फ कहूँगा कि पहली दफ़ा में आप ब्रीडर की तरफ ना जाएं। हाँ, अगर कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त है, कोई बहुत अच्छा बंदा है जिस पर आपको पूरी तरह ट्रस्ट है, कल को आप इससे लड़ाई भी कर सकते हैं, आप इससे पूछ भी सकते हैं, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना कि लामा दे सकते हो, तो वो जहाँ आप मतलब इस तरह से कर सकते हैं कि बाद में उससे बात कर सकते हैं कि भाई ये आपने दिया था ये क्या हो, या मुझे चेंज करके दो, मुझे और चाहिए वो, तो वहाँ तो बात ठीक है, आप वहाँ से ब्रीडर भी ख़रीदें। लेकिन एक नए बंदे से पहली दफ़ा में मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप ब्रीडर पेयर ना ख़रीदें इसके अंदर, क्योंकि चांसेस ज़्यादा हैं आपके साथ हैंड होने के, ठीक है, तो इसमें आपके साथ हैंड हो सकता है। तो अब आते हैं हम चूज़ों की तरफ। अब चूज़े देखें कि बच्चे जो होते हैं उसके अंदर कोई भी मतलब के देख के इस तरह से बताया नहीं जा सकता कि ये ब्रीडिंग करेगा या नहीं करेगा, तो इसलिए इसके अंदर ये रिस्क ख़त्म हो जाता है कि कोई हमारे साथ बच्चे देके फ्रॉड कर रहा है कि ये कल को अच्छे ब्रीडर नहीं बनेंगे, ठीक है। तो बच्चों के अंदर हमें कम से कम ये टेंशन नहीं है, वो प्योरली और टोटली कह लें कि पूरी तरह से हमारी किस्मत पे और हमारी आफ्टर लेने के बाद जो हमने केयर करनी है उस पर डिपेंड करेगा कि वो ब्रीडिंग करते हैं नहीं करते हैं, अच्छी करते हैं ज़्यादा करते हैं। जैसे अगर आप बच्चे लेते हैं तो वो काम ज़्यादा बेहतर है अगर आप मोर खरीदते हैं। तो मोर खरीदते वक्त आपने जहन में क्या रख रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं जो हमने नोट करनी है कि यार ये बर्ड ख़रीदने के काबिल है या नहीं। सबसे पहली चीज़ तो आपने सिर्फ एक
वीडियो अगर आप अगले से मंगवा रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है वीडियो मंगवाएं एक दो मिनट की। आपने यार एक पैसे इन्वेस्ट करने हैं, आपने एक बर्ड खरीदना है, तो आप सिर्फ 4-5 सेकंड की वीडियो देख के आप कैसे जज कर सकते हैं कि यार ये बर्ड मेरे लिए ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लंबी मंगवाएं यार, मुझे लंबी वीडियो सेंड करो और वीडियो के साथ साथ पिक्चर्स भी मंगवाएं, क्योंकि पिक्चर्स में स्टिल जो इमेज होता है उसके अंदर आप जूम करके थोड़ा बेहतर तरीके से देख सकते हैं, जबकि वीडियो के अंदर इस तरह से नहीं होता। तो आप पिक्चर्स भी मंगवाएं, वीडियो भी मंगवाएं, ये मैं ऑनलाइन परचेज की बात कर रहा हूँ। अगर आप लाइव जाके विजिट करके ले रहे हैं तो उससे तो अच्छी बात ही कोई नहीं है, वो सबसे बेहतर तरीका ही वो है। तो अब वो करें, उसके बाद अगर आप लाइव फ़र्ज़ करें बर्ड्स देखने चले गए हैं तो आपने क्या देखना है, तो आपने देखना है कि बर्ड्स जो हैं वो, अब यकीनन बात है कि ज़्यादा चांसेस ये हैं कि जहाँ से आप ख़रीदने जा रहे हैं वहाँ पे और भी बर्ड्स होंगे। तो आप फ़र्ज़ करें अगर पहली दफ़ा ही जा रहे हैं आप बर्ड ख़रीदने, तो आपने उस बर्ड को जो आप ख़रीदने चाह रहे हैं या वो बंदा जो आपको ऑफ़र कर रहा है कि जी ये बर्ड ये जो है ना ये आप ख़रीद लें, ये आपके लिए फ़ॉर सेल, उस बर्ड्स में और दूसरे जो बर्ड्स हैं जो वो सेल नहीं कर रहा उनके अंदर आपने सेहत का और उसकी एज के, फ़र्ज़ करें आप ब्रीडर ख़रीद रहे हैं तो आप बाकी ब्रीडर्स को और उसकी सेहत का मुआवजा करें कि वो कद काठ उनका चलने फिरने का स्टाइल, वो आँखें किस तरह से खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं, किस तरह से चल फिर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप मैच करें उसके साथ जो बर्ड्स दूसरे हैं उसकी एज के। ठीक है, एक छोटे बर्ड्स का बड़े से कंपेयर नहीं कर सकते कि जी छोटा थे ढिला हुआ या छोटा ज़्यादा एक्टिव है बड़ा ढीला कुछ, ठीक है। तो एज अगर सेम है वहाँ पर और बर्ड्स हैं तो आप वो कंपेयर करें। उसके अलावा अगर कोई बर्ड्स नहीं है उसके पास और, तो उसमें सिर्फ आपने देखना है कि बर्ड्स जो हैं साफ़ सुथरे हों, वो उनके जो परशर हैं वो साफ़ सुथरे हों, वो मतलब के चल फिर सही तरह से रहे हैं, वो सिर्फ आपने एक हल्की सी नज़र देनी है, आपने पूरी तसल्ली करके लेनी है। क्योंकि बाद में अगर हम ये सोचें कि हो यार ये क्या हो गया हमारे साथ फ्रॉड हो गया, उससे बेहतर है कि हम पहले ही जो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा के गौर कर लें कि यार ये जो हम चीज़ ले रहे हैं ये कैसी चीज़ है। तो आपने पूरी गौर करनी उस बर्ड के ऊपर, उसको चलना फिरने का तरीका, उसका बैठना, थोड़ा टाइम ज़्यादा दें, आपको कोई ना कोई नज़र आ जाएगी चीज़ का, अगर उसके अंदर कोई मसला होगा तो आप ज़रूर जो है उसको नोटिस कर लेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा दें जब आप ख़रीदने जा रहे हैं, जल्दबाजी से काम मत लें, सुकून से उसकी तसल्ली करें। और दूसरी बात आ जाती है फिर कि ऑनलाइन जो लोग परचेज़ करते हैं कई लोगों के साथ जो है वो उसके अंदर फ्रॉड भी हुआ है कि पैसे भेज दिए बर्ड्स आए नहीं है, तो उसके लिए यार अब वो उनका फेलर क्या किया जा सकता है उस बारे में कि यहाँ भी फ्रॉड होता है हर चीज़ के अंदर होता है, तो उसके लिए फिर बेहतर ये है कि आप जो है किसी ट्रस्टेड ब्रीडर से ही ख़रीदें। अब ट्रस्टेड ब्रीडर हो सकता है कि आप नए बंदे, आप किस बंदे पे ट्रस्ट करें आपको कैसे पता चलेगा, उस बंदे का फेसबुक पेज, उसकी फेसबुक आईडी, उसकी अच्छी तरह स्टॉकिंग करें, उसको अच्छी तरह देखें कि आया कि ये बंदा और बंदों को भी भेजता है बर्ड्स या नहीं भेजता, अगर भेजता है तो उनके क्या रिव्यूज़ हैं और कितने ज़्यादा इसका काम है और क्या करता है, अगर जितने ज़्यादा उसके जानने वाले होंगे उसका जितना ही बड़ा मतलब काम होगा उतना ही वो मतलब के कम चांसेस हैं कि वो आपके साथ फ्रॉड करे, क्योंकि उसको फिर इस बारे में टेंशन होगी अगर मैं फ्रॉड करूंगा तो मेरा नाम ख़राब हो सकता है और मेरे बर्ड्स जो हैं नहीं बिकेंगे। तो आपने ये देखना है कि जो जिसका काम थोड़ा ज़्यादा बड़ा है वो उसको प्रेफर करें आप, बजाय इसके कि जो बिल्कुल ही एक नया बंदा है। बाकी नए बंदों को भी मैं ये नहीं कह रहा कि नए बंदों को बिल्कुल मिस करा दें, नए बंदे भी अगर आपको फ़ील हो रहा है कि यार ये बंदा हमारे जैसा शरीफ आदमी है, मतलब आपको फ़ील हो रहा है कि इससे मिजाज मैच करता है या जैसा भी लग रहा है, थोड़ी जजमेंट अपनी चेक करें, तो अगर आपको फ़ील हो रहा है कि थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को छोड़ दें, उस पर रिस्क ना लें वो आपके साथ फ्रॉड हो सके, क्योंकि मार्केट का रूल तो यही है कि आपने एडवांस पैसे भेजने हैं और उसके बाद जो है बंदे ने बर्ड्स आपको कार्गो करवाने हैं, तो ये मार्केट का रूल है और सारे लोग यही फॉलो करते हैं, तो इसलिए आपके साथ जो है इस चक्कर में हैंड हो सकता है, तो कोशिश करें कि कोई ट्रस्टेड बंदा जो आपको लगे कि ये ट्रस्टेड है या आप देखें कि उसका काम ज़्यादा अच्छा है तो इस तरह किसी बंदे से जो है आप बर्ड्स परचेज करें। तो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो था कि स्पेल्डिंग बर्ड्स जो हैं वो किस तरह से ख़रीदे जाएँ। तो ये अभी मैं आ गया हूँ उसी केज के पास जिसके अंदर स्पेल्डिंग बर्ड्स हैं, तो डॉक्टर साहब पूछे थे कि इसकी प्योरिटी का कैसे पता चलेगा। तो अब देखें कि स्पेल्डिंग बर्ड जो हैं वो प्योर है ही नहीं, वो ऑलरेडी एक हाइब्रिड बर्ड होता है कि ग्रीन जावा और इंडियन ब्लू के क्रॉस ब्रीडिंग से जो बर्ड आते हैं उनको स्पेल्डिंग बोला जाता है। उसके ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, मैं लिंक उसका यहाँ पर डाल दूंगा, आप वो ज़रूर देखें, आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो स्पेल्डिंग बर्ड्स के केस में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इसके अंदर प्योरिटी मत देखें, आप सिर्फ खूबसूरती देखें, क्योंकि हाइब्रिड मुख्तलिफ मकसद और वजह से ही बनाए जाते हैं। अब जैसे गधे और घोड़े से हाइब्रिड बनाया जाता है ज़्यादा काम लेने के लिए, ठीक है। अब इनके अंदर जो हाइब्रिड बनाया गया है वो खूबसूरती के लिए, क्योंकि जो स्पेल्डिंग होते हैं जिनके अंदर 75% ग्रीन ब्लड होता है एटलीस्ट, उनके अंदर शाइनिंग ग्रीन जावा से भी ज़्यादा होती है।
अब अगर कोई बंदा नया है जिसने सिर्फ शाइनिंग के लिए एक शाइनी बर्ड लेने हैं जो ज़्यादा खूबसूरत लगे, तो उसके लिए तो फिर वो जो हाइब्रिड है वो बेहतर होगा, ग्रीन जावा से भी ज़्यादा बेहतर वो हो गया। तो इसलिए स्पेल्डिंग्स के केस में जो बर्ड आपको खूबसूरत लगता है आप वो खरीदें, इसमें ज़्यादा टेंशन छोड़ ही दें इस बात को कि प्योर है या नहीं। स्पेल्डिंग तो ऑलरेडी एक मिक्स चीज़ है ना, हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड में आप क्या प्योरिटी ढूंढेंगे? हाइब्रिड में कोई प्योरिटी वाली चीज़ नहीं है। बस अगर आपको बर्ड अच्छा लग रहा है तो बस ठीक है। प्राइस कम ज़्यादा जो है वो आप ज़रूर मुआवजा करें, और लोगों के पास भी चेक करें, दो चार लोगों से आप चेक करेंगे तो आपके जहन में एक आइडिया आ ही जाएगा कि इसकी प्राइस कितनी है और कितनी होनी चाहिए। आपसे कोई बंदा बहुत ज़्यादा मांग रहा है या सस्ता मिल रहा है तो कोई मसला है जो बहुत सस्ता दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप जज कर सकते हैं। लेकिन स्पेल्डिंग में कोई प्योरिटी वाला चक्कर नहीं है कि आप देख के बता दें कि ये स्पेल्डिंग प्योर है या नहीं है, क्योंकि स्पेल्डिंग ऑलरेडी एक मिक्सिंग है, हाइब्रिड होता है बर्ड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बाकी जब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो फिर मुझे फ़ौरन से आइडिया मिल जाता है और मेरे लिए वीडियो बनाना जो है आसान हो जाता है, मुझे समझ आ जाती है मैंने किस चीज़ पर फोकस करके जो है इस वीडियो को घुमाना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।